हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये तो हमारा फोर्थ पार्ट है आपके छत्तीसगढ़ के वन्य जीव और अभ्यारण्य से। हमारा चौथा क्वेश्चन है या चौथा पार्ट है। अगर बाकी पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि लाया गया है आपके एग्जाम के बेस पे, क्योंकि CGSI अभी कुछ कारणों से पेपर को रद्द कर दिया है, लेकिन आपके जो तैयारी उसको जारी रखना है, क्योंकि कभी भी इसका डेट आ सकता है। इसलिए आपका जो तैयारी है इसको जारी रखना है, क्योंकि कुछ कारणों से उसको रद्द कर दिया गया है, लेकिन कभी भी उसका डेट आ सकता है। इसलिए आपकी तैयारी जो कि जारी रहनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य किस वन्य जीव अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है? तो अचानक मार, गोमर्दा, उदंती या आपका सोमरसोत। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उदंती जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो इसमें आपके जो कि उड़न गिलहरी यहाँ पर पाई जाती है इस वन्य जीव अभ्यारण्य में। तो याद रखिए कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्य जीव अभयारण्य की दक्षिणी पश्चिमी सीमा आपके रेहड़ नदी या रेण नदी जो कि बनाती है? तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य जो कि इसमें जो कि दक्षिणी पश्चिमी सीमा आपका रेहड़ नदी बनाती है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की किस राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है? तो आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य या चौथा है आपका भैरमगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य में गाने वाली मैना पाई जाती है आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें आपके गाने वाली मैना पाई जाती है आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी किस वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरती है? जो तमोर पिंगला, बादल फुल, अचानक मार, गोमर्दा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अचानक मार। तो इस मनियारी नदी आपके जो अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य से होकर यहाँ से इस अभयारण्य से गुजरती है मनियारी नदी, याद रखिएगा अचानक मार। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू देख सकते हैं? तो आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MP क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य छत्तीसगढ़ राज्य में जो अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य है, इसमें आपके सफ़ेद भालू जो कि पाए जाते हैं, सफ़ेद भालू। तो याद रखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सफ़ेद भालू कौन से वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है तो पूछेगा तो एग्जाम यहाँ से। तो याद रखिए अचानक मार वन्य जीव अभयारण्य में सफ़ेद भालू देखे जा सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित किस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल और गौर आदि वन्य प्राणियों का वास है? तो आपका आपका बादलखोल अभयारण्य, सेमरसोत अभयारण्य और तमोर पिंगला अभयारण्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बादलखोल अभयारण्य में आपके रायगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल और गौर आदि वन्य प्रकार के जो कि जीव इसमें जो कि प्राणियों का आवास यहाँ पे जो बादलखोल अभयारण्य में जो कि इनका आवास है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 278 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गोमर्दा अभयारण्य किस वर्ष को जो कि सुकांकित जो कि हुआ है? तो आपको वर्ष 1972 में, 1973, 1974 या 1975 में। तो 278 वर्ग में फैला हुआ आपका जो विस्तृत है आपका गोमर्दा अभयारण्य है आपको आपके 1975 विश्व जो कि सूचांकित किया गया है। तो याद रखिएगा आपका गोमर्दा अभयारण्य आपके 278 वर्ग किलोमीटर फैला है, इससे जो अभयारण्य है वर्ष 1975 में इसको सूचांकित किया गया है। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है? तो यह है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जांजगीर चांपा, सरगुजा, जसपुर, कोरबा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा जिले में जो यहाँ पे एक तो आपका जो मगरमच्छ है जो जिसे क्रोकोडाइल पार्क बनाया गया है आपके जांजगीर चांपा में, याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्रोकोडाइल पार्क आपके जांजगीर चांपा में बनाया गया है मगरमच्छों का केंद्र, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदंती सीधा नदी और आपका अचानक मार अभयारण्य को भारत सरकार ने कब टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया गया था? तो वर्ष 2005 में, वर्ष 2006 या 2007 या 2008 में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 2006 में उदंती सीधा नदी तथा अचानक मार अभयारण्य को भारत सरकार ने, यहाँ पर केंद्र सरकार ने
जो कि ईस्ट टाइगर रिजर्व आपके शामिल किया गया था वर्ष 2006 में। आपके उदंती सीता नदी और अचान कुमार अभयारण्यों को भारत सरकार ने आपके वर्ष 2006 में टाइगर रिजर्व योजना में शामिल किया गया था। तो याद रखिए इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास भैंसादरह किस जिले में स्थित। कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया, तो बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर। तो आपके बस्तर में मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास यहाँ पे भैंसादरह जिले में बनाया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्तर। याद रखिए यहाँ पे मगरमच्छों का प्राकृतिक आवास बनाया गया है भैंसादरह जिले में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुप्त हो चुकी चीते पहले बहुत कहाँ मात्रा में पाए जाते थे। तो कांकेर, बस्तर, सरगुजा, जसपुर। तो अब लुप्त हो चुके जो चीते हैं जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कांकेर जिले में जो कि उपस्थित थी, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। तो आपके कांकेर में पहले पाया जाता था चीते को। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन भैंसों का संरक्षण किस अभयारण्य में होता है। तो उदंती, भैरमगढ़, पामेड़ या तीनों अभयारण्यों में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदंती, भैरमगढ़ और जो आपके पामेड़ जो यहाँ पे तीनों अभयारण्यों में आपके वन भैंसों का संरक्षण जो कि पाया गया है, जिसमें वन भैंसा जो कि प्रजाति पाई जाती है आपके उदंती, भैरमगढ़ और पामेड़, ये तीनों अभयारण्यों में। तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका ब्रेडरी नस्ल का बारहसिंघा किस वन में पाया जाता है। तो आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उदंती अभयारण्य, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या डी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें आपका ब्रेडरी नस्ल का बारहसिंघा इस वन में पाया जाता है आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। याद रखिए कि ब्रेडरी नस्ल का बारहसिंघा तो हिरण की एक प्रजाति है, जिसमें आपका इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में या बारहसिंघा जो कि पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउस डियर दुर्लभ प्रजाति के हिरण किस अभयारण्य में पाया गया है। तो आपका भैरमगढ़, अचान कुमार, सेमरसोद, बारनोपार अभयारण्य। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो माउस डियर आपके यह दुर्लभ प्रजाति के जो हिरण है किस अभयारण्य में पाया जाता है। तो आपके अचान कुमार के अभयारण्य में इसको पाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, अचान कुमार अभयारण्य में जो कि माउस डियर पाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्जाम में कई बार इसको रिपीट किया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनजाति महत्व का वृक्ष है आंवला, महुआ, बरगद, आम। तो महुआ जो कि जनजातियों को महत्व उनके वृक्ष है, जो महुआ वृक्ष है यह जनजातियों को महत्व माना जाता है इस वृक्ष को। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस कर पर्व में आपका कर्म दुखी देवती वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है। तो कर्मा, दशहरा, होली, छेड़ता। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आपके कर्म पर्व में आपके कर्म जो देवती वृक्ष की डाली की पूजा यहाँ पे की जाती है आपके कर्म के पर्व में। तो इसका ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें विशेष वृक्ष की यहाँ के पूजा की जाती है कर्म पर्व में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नशीला पेय देने वाला बस्तर का पेड़ कौन सा है। तो चार, ताण, सल्फी या सल्फी या छींद। तो इसका सी ऑप्शन सही हो, जो सल्फी या सल्फी कहते हैं ये आदिवासियों द्वारा नशीले जो कि पेय बनाया जाता है। तो यहाँ पे बस्तर के पेड़ में आपके यहाँ सल्फी या सल्फी जो कि बस्तर के पेड़ से बनाया जाता है, जो कि यह नशीला पेय पदार्थ होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग में है। तो सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, बस्तर में सर्वाधिक मात्रा में अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान इस संभाग में पाया जाता है। तो बस्तर संभाग में आपके यहाँ पे आपके ज़्यादा मात्रा में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो कि इस संभाग में बस्तर संभाग में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ जनपद में अवर्गीकृत वनों का कितना प्रतिशत क्षेत्र है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका इसमें 16.65% लगभग यहाँ पे अवर्गीय वनों का जो अवर्गीकृत वनों का यहाँ पे लगभग 16.65% यहाँ पे पाया जाता है क्षेत्र में। तो याद रखिए इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए किस वृक्ष की लकड़ी प्रयोग किया जाता है। तो साल, सागौन, देवदार, बबूल। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सागौन। तो विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए
किस वृक्ष की लकड़ी प्रयोग किया जाता है, तो अधिकतर आपके सागौन की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है आपके फर्नीचर वगैरह बनाने के, जो कि उपयुक्त तो माना जाता है इसके सागौन के लकड़ी के को, जो कि खिड़की दरवाजे और फर्नीचर के लिए जो कि सागौन के वृक्ष के लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ विश्व प्रसिद्ध फर्नीचर के लिए सागौन को उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 74 है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभ्यारण्य से जुड़ेगा, तो आचान कमार, सेमरचोत, भोरमदेव, बादलखोल। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व किस अभ्यारण्य से जुड़ेगा, तो यहाँ आपके आचान कमार अभ्यारण्य से जुड़ेगा आपका अमरकंटक बायोस्फीयर। तो इसका ए ऑप्शन आचान कमार याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरगुजा संभाग का अभ्यारण है, कौन सा अभ्यारण है सरगुजा संभाग में, तो आपका सिमरचोत, तमोर पिंगला, बादलखोल, उपरोक्त सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो सरगुजा संभाग का अभ्यारण कौन सा है, तो सिमरचोत, तमोर पिंगला और बादलखोल, ये तीनों अभ्यारण आपके सरगुजा संभाग में स्थित है। याद रखिएगा, सिमरचोत, तमोर पिंगला और बादलखोल सरगुजा संभाग के अंतर्गत पाया जाता है ये तीनों अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, सेमरसोत अभ्यारण्य किस जिले में है, तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलरामपुर में। तो सेमरसोत अभ्यारण्य किस जिले में है, तो आपके बलरामपुर में यहाँ स्थित है। याद रखिएगा, सेमरसोत अभ्यारण्य आपके बलरामपुर में यहाँ स्थित है, बलरामपुर जिले में। तो आपका सेमरसोत का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बलरामपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है, तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरजपुर। तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में है, तो आपके यहाँ सूरजपुर में स्थित है। याद रखिएगा, तमोर पिंगला अभ्यारण्य आपके सूरजपुर जिले में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 78 क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है, जो 2001 में इनको स्थापित किया गया था, तो आपको भोरमदेव, बारनवापारा, उदंती, पामेड़। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भोरमदेव अभ्यारण्य यह छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, जो कि वर्ष 2001 में इनको स्थापित किया था, कई बार एग्जाम में इसको रिपीट किया गया। तो भोरमदेव जो कि यह सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है, इसको सन 2001 में इसको स्थापित किया गया था। तो आया 78 के क्वेश्चन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना अभ्यारण्य है जो 1974 में स्थापित हुआ था, तो आपका भोरमदेव, तमोर पिंगला, गोमर्दा, सीता नदी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीता नदी जो कि यहाँ सबसे पुराना अभ्यारण्य है और सन 1974 में इसको स्थापित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार अक्सर एग्जाम इसको रिपीट किया जाता है। तो यहाँ सबसे पुराना अभ्यारण्य है सीता नदी और 1974 में, सन 1974 में इसको स्थापित किया गया था। तो याद रखिए डेट और यहाँ सबसे पुराना भी अभ्यारण्य है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2007-08 में कोलकाता संसद द्वारा द जंगली पुरस्कार किस अभ्यारण्य को दिया गया है, तो पामेड़ बीजापुर में है आपके, तमोर पिंगला आपके सूरजपुर में है, उदंती गरियाबंद में है, बारनवापारा बलौदा बाजार में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, बारनवापारा जो अभ्यारण्य है आपके आपके बलौदा बाजार में है उपस्थित है। तो वर्ष 2007-08 में कोलकाता संसद द्वारा द जंगली पुरस्कार इस अभ्यारण्य को 2007-08 में दिया गया था, बारनवापारा बलौदा बाजार को। यह पुरस्कार द जंगली पुरस्कार से कोलकाता संसद द्वारा इसको नवाजा गया था। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ कर आपके छत्तीसगढ़ के वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।